तो दोस्तों ये रहा हमारे पास रियलमी C61 मोबाइल। दोस्तों अगर आपके पास भी सेम ये मोबाइल और दोस्तों आप उसमें चाहते हो किसी भी पर्सनल ऐप को हाइड करना होम स्क्रीन से, तो दोस्तों आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर सर्च बॉक्स में लिखना है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, जिसे लिख के सर्च करोगे तो ये वाला एप्लीकेशन आएगा। इसको आपको डाउनलोड करना यानी कि इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, परमिशन देना है। अब यहाँ पे आपको गो टू सेटिंग पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो ऐप जो आपकी जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर वो यहाँ से आपको ले लेना है। दोस्तों यहाँ पे ये रहे एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आपको इसको परमिशन देना। परमिशन देने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्किप करना है, स्किप करने के बाद आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, यहाँ पे आपको डू नॉट शो अगेन पे टिक करना और यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपकी सारी सेटिंग हो जाएगी, आप आ जाओगे ऐप डोर में। अब दोस्तों आपको करने का ऐप डोर को इस तरह से ऊपर को खिसकाना है, ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, हिडन ऐप पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको हाइड ऐप पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको हाइड करना है उस एप्लीकेशन पे टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर डन का ऑप्शन दिखेगा, डन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली ये एप्लीकेशन हाइड हो जाएंगी, ये एप्लीकेशन आपके होम स्क्रीन पे नहीं दिखाई देंगी। तो दोस्तों ये त्री बात एप्लीकेशन को हाइड करने की। अब दोस्तों हाइड एप्लीकेशन आपको देखना है या फिर चलाना है तो कैसे चलाएंगे, इसके लिए आपको फिर से करने का ऐप डोर को ऊपर खिसकाना, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, हिडन ऐप पे क्लिक कर देना है और आपने जो भी हाइड किया था वो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो, चला सकते हो। अगर दोस्तों आप चाहते हो इसको अनहाइड करना, तो अनहाइड करने के लिए क्या करना है, आपको उसके सामने अनहाइड पे क्लिक करना है, तो दोस्तों आपकी एप्लीकेशन फिर से अनहाइड हो जाएंगी, फिर से आपके होम स्क्रीन पर चली जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।